पिता मेंबर करेंगे पंचायत से और संचालन हमारे दरिया के सौर पंचायत से करेंगे पंचायत साहब के मांगे दिए प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में उसको टाइम दिया आप 4 तारीख तक इन पर अपने फैसला सुना दें हमें यदि फैसला नहीं सुनाएंगे तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो लागू रहेगा चालू रहेगा और 4 तारीख को मीटिंग करके बता दी जाएगा कि दिल्ली में हम कब जाके अपना प्रचार करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपील की आपको कि किसान घरों को वापस लौट जाएं बिल वापसी हो गए हैं। देखो ऐसा है जो मंत्री जी हैं ना उनका अपना कुछ नहीं कहीं भी इस देश में जो आज पार्टी है या जो सरकार है उसमें एक ही आदमी है सरकार का मोदी और दो है अडानी अम्बानी इनके अलग कोई काम तीसरा करता ही नहीं है। अब ये मंत्री जी क्या कहते हैं क्यों कहते हैं पता नहीं है। ये तो पहले भी तय था पहले बोल रहे थे पराली के बारे में हम बात मान लेंगे ये तो उस मीटिंग में तय हुई थी पहले भी। गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि जब पीएम ने मान लिया है जो मांग मान रहे थे उसके बाद तो घरों को लौट जाना चाहिए। देखो इस देश की परंपरा ये है एक मानसिक रोगी को भी यहाँ मतलब स्वास्थ्य मंत्री बनाया जा सकता हरियाणा में अब क्या कहेगा उसके कहने की बात ही बेकार है जो खुद मानसिक रोगी है उसके बारे में क्या हम बात करें। देखो वे तो पहले से कहते रहे हैं कुछ किसान कहते रहे हैं खालिस्तान कहते रहे हैं उग्रवादी कहते रहे हैं कभी ये कहते हैं जाट एक विशेष जात का ये उनका कहना अलग है लेकिन हमने दिखा दिया 26 जो इस साल पूरा हुआ था हमारा उस पर हमारे यहाँ 10,000 लोग हमारे थे और आप ये देखेंगे कि पंडाल में जगह नहीं थी रोड पर जगह नहीं थी पीछे जगह नहीं थी और इतना बड़ा आंदोलन हुआ हमारे यहाँ और पूरे देश के लेवल पर करोड़ों लोग सड़क पे थे जो आंदोलन समर्थन कर रहे थे। रमेश जी क्या कहेंगे 29 तारीख का जो ट्रैक्टर मार्च था लोकसभा का टल गया है क्या कहेंगे आप। देखो जहाँ तक 29 तारीख का जो ट्रैक्टर मार्च की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई थी और जो कल 27 तारीख की जो मीटिंग हुई है उसमें ये जो स्थगित करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है उसमें केवल इतनी बात है कि सरकार ने जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भाई हम ये जो तीनों कृषि कानून हैं इनको हम वापस लेंगे और 29 तारीख से जो संसद का जो सत्र है जब वो शुरू होगा तो उसमें जो कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा करने के बाद में उसको हम समाप्त कर देंगे। दूसरा कल कृषि मंत्री ने जो ये पराली जलाने की जो जो केस है उसमें किसानों के मामले में ये बोला है कि भाई इसको हम अपराध मुक्त कर देंगे और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो जो 2-3 बातें हैं हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार इनको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में निभाए इसीलिए कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये 29 तारीख का ये जो प्रोग्राम है ये पोस्टपोन किया स्थगित किया है ये ख़त्म नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है और उसमें ये तय करेंगे कि अगले आने वाले जो सरकार का जो रुख है जो संसद के अंदर जो सरकार अपना रुख प्रस्तुत करेगी उसी हिसाब से संयुक्त किसान मोर्चा अपना अगला 4 तारीख को निर्णय करेगा। किसान आंदोलन 2 साल में प्रवेश कर गया और आंशिक रूप से किसानों को सफलता भी मिली है। 3 काले कानून भी वापस हुए हैं पराली वाला जो विधेयक था सरकार का उसको भी उन्होंने वापस लिया है लेकिन अभी जो मुख्य मांग है वो है MSP की गारंटी का कानून। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक किसान अपने घर लौटने वाले आंदोलन लेकर जारी रहेगा चाहे इसके लिए कितना लंबा संघर्ष करना पड़े ये आंदोलन जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी का कानून सरकार बनाए और जो शहीद हुए हैं किसान उनको सरकार सम्मान दे तो किसान अपने आप आराम से अपने घर लौट जाएंगे यही प्रमुख मांग है। तो किसान सरकार को ये मुझे छोड़ करके अहंकार छोड़ करके
किसान नेताओं से बात करनी चाहिए और इसका समाधान निकालना। 29 तारीख का ये मामला सत्कृत किया जाता है, 4 तारीख को फिर दोबारा संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी। इस 29 और 4 के बीच में सरकार किस प्रकार से आगे बढ़ती है, मंत्री का कल बयान भी आया है कि जो पराली का मामला जो किसान को अपराधी माना जाता था उसको उन्होंने कहला वो आज के बाद अपराधी नहीं माना जाएगा। बिजली का 2020 का बिल वो भी कानून के रूप में उसे एकदम कभी भी इसको पेश नहीं किया जाएगा। और जो मांग हमारी दूसरी उन सब पर विचार विमर्श सरकार करे, जो हमारे शहीद हुए 700 के करीब उन सबका मामले के रूप में, उनके परिवार का पुनर्वास के रूप में, नौकरी के रूप में, जो किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए उनको वापसी का रूप में, मैं पलवल के अपने आंदोलन की बात कर रहा हूँ, हमारे खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 3600 लगभग 3500 किसानों के मुकदमे हमारे साथ दर्ज हुए, 5 मुकदमे पलवल में भी दर्ज हैं। तो ऐसे हरियाणा में लाखों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, तो जितने भी पूरे देश में चाहे रेल के मुकदमे हो चाहे सड़क के हो, तमाम प्रकार के मुकदमे जो किसानों में उनको वापस किया जाना जल्दी बहुत जरूरी है।